सोयाबीन का जो वैश्विक उत्पादन है यानी कि जो ग्लोबल प्रोडक्शन है वो बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है, 740 लाख टन तक रह सकता है। और दूसरा, ये जो घरेलू सोयाबीन है, घरेलू सोयाबीन का जो रकबा है बुआई का, वो लगभग पिछले साल के मुकाबले बराबर ही होता हुआ नज़र आ रहा है। अभी जानकार ऐसी अटकलें लगा रहे हैं, अब ये तो वक्त ही बताएगा जब पूरे की बुआई के आंकड़े और उत्पादन के आंकड़े निकल के सामने आएंगे। ये सोयाबीन की जो एक्चुअल फिगर है वो तभी पता लग पाएगी, अभी सिर्फ जानकार अनुमान ही लगा रहे हैं। और अनुमान की वजह से जो मार्केट्स के अंदर जो सेंटीमेंट्स बने हैं सोयाबीन की कीमतों को लेकर, उसकी वजह से सोयाबीन की कीमतों में एक नरमी का रुझान देखने को मिल रहा है। और दूसरा, सरकार ने जो सोयाबीन के आयात यानी सोयाबीन खली का जो आयात किया है पोल्ट्री उद्योग के लिए, उसकी वजह से भी सोयाबीन की कीमतों पर एक गहरा असर पड़ता हुआ नज़र आया है, जो कि सोयाबीन किसानों के लिए बहुत ही नकारात्मक साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि जब सोयाबीन की फसल बाज़ार में नहीं आई थी तब तो वायदा बाज़ारों में इतनी सट्टेबाजी चली थी कि जो सोयाबीन है 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार तक बिकती हुई नज़र आई थी। उस समय वायदा बाज़ारों में निवेशकों ने और सट्टेबाजों ने काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाया, लेकिन अब जैसे ही किसानों की जो सोयाबीन है बाज़ार में उतरी, मंडियों में उतरी, अचानक से भाव कम कर दिए गए और सरकार ने भी फैसला ले लिया सोयाबीन आयात करने का। सरकार ने तब तो फैसला नहीं लिया ये सोयाबीन खली का आयात करने का जब वायदा बाज़ारों में कीमतें ऊँची थी और सट्टेबाजी ज़्यादा देखने को मिल रही थी, और किसान जो था वो बेचारा ज़्यादा महंगा बीज लेकर जिस समय बीजों की भी कालाबाजारी देखने को मिल रही थी, बुआई की किल्लत थी सोयाबीन के बीज की, उस समय किसानों ने अपनी कर्ज लेकर जैसे तैसे पैसों का इंतजाम करके सोयाबीन के बुआई करी महंगा बीज खरीद कर। तब किसान को किसी ने नहीं पूछा, सोयाबीन के किसान को। लेकिन अब जैसे ही फसल बाज़ार में आई, वायदा बाज़ारों में भी भाव कम हो गया, सरकार का फैसला भी आ गया और सोयाबीन किसानों की जो आस थी अच्छे दाम मिलने की वो टूट गई। और दूसरा, इसी के साथ साथ सोयाबीन के किसानों पर दोहरी मार भी पड़ती हुई नज़र आ रही है। महाराष्ट्र में जो सोयाबीन के जो फसलें हैं वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं, कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है जिसकी वजह से खेतों में भी पानी ज़्यादा भर गया है और सोयाबीन की जो फसल है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर तबाह होती हुई नज़र आ रही है। अगर ऐसा देखने को मिल रहा है और उत्पादन कम रहता है, उत्पादन के आंकड़े कम आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात होगी कि जो सोयाबीन है उसकी कीमत कुछ बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, अगर सरकार कुछ फैसला नहीं लेती है और सट्टेबाजी इतनी देखने को नहीं मिलती है, ये भी तभी पॉसिबल हो पाएगा। अदरवाइज़ सोयाबीन किसान का भगवान ही मालिक है, सोयाबीन किसान को उन कीमतें क्या मिलेंगी अब वो वक्त ही बताएगा।